आप सबको स्वागत है। आज हम 11 फरवरी की ईश्वर वरदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप अपना भाग्य अच्छा बनाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है, एंड ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब हम किसी को धन देते हैं, किसी को हम रोटी कपड़ा मकान देते हैं, तो हम किसी का फायदा जब करते हैं तो हमारा फॉर्च्यून मतलब कि हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि उनकी हमें दुआएं मिलती है। यस, बनता है, जरूर बनता है। वो आपको अगले जन्म में भी मिलता है, इस जन्म में भी थोड़ा मिल जाता है, आपको नाम मान शान मिल जाता है। अगले जन्म में आपको वो जो आपने दिया है उसका आपको 10 गुना मिल जाएगा, 15 गुना मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं फिर अगले जन्म में अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया, अगर आपने सब कुछ गवा दिया तो पिछले जन्म का तो आपने खा लिया, लेकिन अगले जन्म में अगर कुछ अच्छा नहीं किया तो उसके नेक्स्ट जन्म में, तीसरे जन्म में आपको हो सकता ना मिले। लेकिन आपके पास में चॉइस है कि आप इसी जन्म में रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ऊंचा भाग्य किसी और को जब बांटते हैं तो आपका भाग्य और भी ऊंचा हो जाता है। सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए आपका भाग्य बन जाता है। तो हम कितना अपना भाग्य की लकीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे ऊपर। इसलिए कहते हैं भाग्य की लकीर हमेशा माथे पे होती है, क्योंकि माथे पे क्यों, क्योंकि आत्मा यहाँ बैठी हुई है। तो आत्मा एक श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र संकल्प, अच्छा संकल्प, सेवा करने का संकल्प जितना लंबा करती है, खींचती है, उतनी उसकी भाग्य की रेखा भी खींचती जाती है। और वो एक परमानेंट टाइप का सदाकाल का एक ऐसा ज्ञान का स्रोत परमात्मा से औरों को जुड़ा देती है कि उसके द्वारा बाकी आत्माएं भाग्यशाली बन जाती है। तो उसका आपको दुआएं 21 बार ही मिलती है, मतलब 21 जन्मों के लिए, सिर्फ एक बार के लिए। तो देखें परमात्मा के अपने शब्द में, परमपिता परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। पद्मा पदम होता है मल्टी मिलियन। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और श्रेष्ठ है। अब कर्म इसमें कौन से हो रहे हैं, जो आत्माएं परमात्मा के साथ में जुड़ा देती हैं। धन दौलत देना, ये सब रोटी कपड़ा मकान देना भी ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा कर्म यह है परमात्मा से जुड़ना और उन आत्माओं को मदद करना, उनके चढ़े हुए पिछले जन्मों के विकार या पाप कर्म को धोने का ध्यान सिखाना परमात्मा, इसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। ताकि उनके जो पिछले जन्मों के पाप है वो तो धुले, वो धुलेंगे तो उनकी बुद्धि खुलेगी और वो अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। एज कम्पेयर टू आप उनको घड़ी घड़ी दान देते जाएं, घड़ी घड़ी का रोटी कपड़ा मकान देते जाएं, तो वो टेम्परेरी हो जाएगा, लेकिन परमानेंट कौन सा है, जोड़ देना परमात्मा से। फिर परमात्मा कहते हैं, तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म, तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, अवेयरनेस, कि मैं कौन और मैं हूं किसका और मुझे करना क्या है, समय कौन सा चल रहा है और कितना समय रह गया कलयुग के अंत का होने का, तो मुझे किस प्रकार के सेवाएं करनी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। उनकी याद में रहकर के जो हम कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, मतलब हर कार्य भगवान की याद में करना चाहिए। लोग ज्यादातर नारियल फोड़ करके अच्छे पूजा वूजा करके हर कार्य करते हैं, दुकान खोलते हैं, पूजा करते हैं सुबह। परमात्मा कहते हैं पूजा करने से तो ठीक है, लेकिन खुद पूज्य बन जाओ, अपने अंदर ऐसे गुण ले आओ ताकि आपके जो मुख से निकले आपके जो संकल्प हो वो इतने ताकतवर हो कि हर कार्य सफल हो और हर किसी को फायदा हो। उसमें धन की बात नहीं हो रही, फायदे की सिर्फ, हर किसी को अपने जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद खुशी मिले, ऐसे कर्म होने चाहिए। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे, इसलिए हमें मेडिटेशन सीखना बहुत जरूरी है। जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो, इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है, एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है, अनेक जन्म हो गए 21 जन्म। वो राज क्या है वो आप समझ सकते हैं ब्रह्म कुमारी में आकर के, जब आप 7 डेज का 1 घंटे का कोर्स करते हैं कि 21 जन्म कैसे हो गए। हमने ज्यादातर ये सुना कि इस जन्म अच्छा कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, लेकिन ये 21 जन्म अच्छे हो जाएंगे ये कैसे, तो ये राज आप सुन सकते हैं आकर ब्रह्म कुमारी में। ओम शांति के साथ।